कल दिल्ली में 4 दिन का जो लेज़र शो आयोजित किया गया था दिवाली के अवसर पे, वो कल समाप्त हुआ। छोटी दिवाली से लेके भाई दूज तक कल तक रोज़ शाम को 6 बजे से 10 बजे तक इसका आयोजन किया गया था। बहुत ही सक्सेसफुल रहा, हज़ारों हज़ारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये पहली बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था, लोगों को आह्वान किया गया था कि आप पटाखे मत बजाइए और आप दिवाली का आनंद लाइटिंग के ज़रिए लेज़र शो को देख के और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जो किए गए थे उसमें पार्टिसिपेट करके आइए, हम लोग मिलके भगवान रामचंद्र जी जो घर वापस आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों ने इसको खूब जम के इसमें पार्टिसिपेट किया। हर किस्म के व्यक्ति ने, अमीर लोग आए, गरीब लोग आए, हर तबके के लोग आए, हर ऑफिसर्स आए, जजेस आए, सब किस्म के लोग आए। और इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं एलजी साहब का अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस पूरे प्रोग्राम के आयोजन में। उनकी वजह से सभी एजेंसीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जितने ऑफिसर्स थे इसमें लगे थे, जिनकी वजह से ये कामयाब हुआ, उन सभी ऑफिसर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये वाला पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने बहुत कम समय में, आइडिया हमें फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास आया था, जब हमें लगा कि पटाखों से लोगों को कैसे वो किया जाए कि पटाखे मत बजाओ। तो उतने शॉर्ट नोटिस पे जो हम अचीव कर पाए, वो इतने शॉर्ट समय को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अचीव किया। लेकिन अब इससे हमें कॉन्फिडेंस है और विश्वास है कि अगले साल इसको इतने बड़े स्तर पे करेंगे हम, इतना भव्य करेंगे हम, कि अगले साल से लोग दिवाली का इंतज़ार इस बात के लिए नहीं करेंगे कि दिवाली अगर आएगी तो पटाखे बजाएंगे। दिल्ली के बच्चे इस बात का इंतज़ार करेंगे कि दिवाली आएगी तो लेज़र शो देखने चलेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे और 4 दिन हम लोग खूब एंजॉय करेंगे और दिवाली को इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो दिल्ली की दिवाली जो है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर दिल्ली की दिवाली एक अपना एक मार्क बनाएगी इस बार के। इससे हमें ये कॉन्फिडेंस हुआ है। इस बार दिवाली के ऊपर पटाखे जले, मैंने एक ट्वीट किया था कि इस बार एक भी पटाखा सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके एक घंटे बाद, मेरे ट्वीट के एक घंटे के बाद फिर आवाज़ें आने लगी। तो लेकिन पटाखे जले, लेकिन कम जले, कुछ कम जले, पिछली सालों के मुकाबले कम जले। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये हम आयोजन ना करते तो और ज़्यादा जलते, लोग फिर और ज़्यादा पटाखे जला रहे होते। तो इसने, आयोजन ने डेफिनेटली उसको कम करने में मदद की, और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों के अंदर और भी कम पटाखे होंगे। लेकिन अब जो पूरा आज कल से आसमान देख रहे हैं हम लोग, बहुत बुरा हाल, चारों तरफ धुआं ही धुआं आसमान के अंदर नज़र आ रहा है, और वो देख के ही पता चल रहा है कि ये पड़ोसी राज्यों से जो फसलें जल रही है उनका धुआं बहुत तेज़ी से दिल्ली के अंदर आ रहा है। पूरी दिल्ली जो है वो इस हवा से एक तरह से दम घोटू हवा है। मैं आज पूरी फिर से मैं विनती करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से विनती करना चाहता हूँ कि अपनी हरियाणा सरकार से निवेदन करें, उनके ऊपर दबाव डालें कि वो जो भी करें और वहाँ पे किसानों को जो भी तकनीक मुहैया कराने की ज़रूरत है, मशीनें मुहैया कराने की ज़रूरत है, जो भी फैसिलिटी देने की ज़रूरत है अपने किसानों को, किसानों को फसल जलाने से रोके। उत्तर प्रदेश की भी सरकार को, अपनी भाजपा वाले अब उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कहें कि वो अपने किसानों को सुविधाएं मुहैया कराए। कांग्रेस से अपील करना चाहता हूं कि वो पंजाब सरकार से, अपनी पंजाब सरकार से कह के किसानों को सुविधाएं मुहैया कराए। मेरी अपने स्तर पे कई लोगों से बातचीत हुई है, हरियाणा में भी पंजाब में भी कई किसानों से बातचीत हुई, किसान बिल्कुल तैयार हैं। किसान कहते हैं जी हमें कोई जलाने में मज़ा नहीं आता,
हम कोई हम भी जलाना नहीं चाहते। अगर हमें कोई ऐसी तकनीक दे दी जाए, ऐसी मशीनें दे दी जाए जिससे जलाने की बजाय अगर हम उससे दो पैसे कमा सकें तो हम तो पैसे ही कमाना चाहेंगे ना, हम क्यों अपनी जो अवशेष है उसको जलाना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं कमी सरकारों की तरफ से नज़र आ रही है, जो इतने साल हो गए, इतने वर्षों के बाद भी इस बार सुनने में आ रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले डबल इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये जलाने के। तो मैं दिल्ली की जनता की ओर से अपील करता हूं कि प्लीज़ हम लोगों का ख्याल रखें, सभी सरकारें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारें और दिल्ली की जनता का सहयोग करें और उनका ख्याल रखें। अपनी तरफ से हम जो भी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मैं लगातार आप लोगों के संपर्क में हूँ, जितने भी ग्रैप को भी फॉलो कर रहे हैं, कितनी बार जितनी कमिटीज़ है इसको लेके सब कह चुकी हैं कि केवल दिल्ली सरकार ग्रैप को फॉलो कर रही है, केवल दिल्ली सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है, दिल्ली में जो भी बन सकता है दिल्ली की जनता भी कर रही है, दिल्ली सरकार भी कर रही है। परसों से हम मास्क भी स्कूलों के बच्चों के ज़रिए बांटना चालू कर देंगे। परसों एक स्कूल में मेरा कार्यक्रम है जहाँ से मैं इसका इनॉग्रेशन करूँगा और परसों से हम मास्क बांटना चालू करेंगे और एक हफ्ते तक दिल्ली के स्कूलों के ज़रिए हम घर घर में अपने मास्क पहुँचा देंगे। लेकिन मास्क पहनने की ज़रूरत क्यों पड़े, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं फिर से अपील करता हूँ दोनों पार्टियों से कि अपनी अपनी सरकारों को कहे कि वो इसको, मनीष जी अब कुछ कहना चाहते हैं इस पर, कोई क्वेश्चन